one of us are paid. I don't want to hold up. हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस तरह के हैप्पी बर्थडे वाले स्टेटस बनाना चाहते हैं अपनी फोटो के साथ या फिर किसी भी फोटो के साथ, तो इस वीडियो का पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हैप्पी बर्थडे वाली वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैंने प्ले स्टोर से VN एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर प्लस का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले हैप्पी बर्थडे वाले टेम्पलेट वीडियो है, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं उसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो में जाना है। फोटो में जाके आपको किसी भी 3 फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिसका आप हैप्पी बर्थडे का वीडियो बनाना चाहता है। मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आगे जाना है। ये ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है उसको सेलेक्ट करके पहले इसको डिलीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो अपने सारे फ़ोटो को सेट भी कर सकते हैं। अगर आपका कुछ ऊपर नीचे है या आगे पीछे है, आप चाहे तो इसको जूम इन जूम आउट करके सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी सब कर लेता हूँ। इसको ऐसे कीजिए, ओके कर दीजिए। इसको भी थोड़ा सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा जूम करके इतना कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा किसी में कुछ करना नहीं, आपको जैसा लगे आपको सिर्फ सेट कर देना, ठीक है। उतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ म्यूजिक वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाना है, ऊपर वाले आइकन पे, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर वहाँ से आपको और एक म्यूजिक को सेलेक्ट करके लाना है, उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं उस म्यूजिक को सेलेक्ट करके लेकर आता हूँ। म्यूजिक पर जाइए, फिर उस म्यूजिक को चूज़ कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको म्यूजिक बिट्स दिख रहा है, उस पर पहले क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 बिट्स है, ये तीनों बिट्स में, इस तीनों बिट पॉइंट में आपको मार्क करना है। मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है, ये एक बिट है। यहाँ पर आपको फ्लैग दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करके इसे मार्क कर देना है। फिर ये दूसरा बिट है, फिर इस पर भी आपको फ्लैग मार्क पर क्लिक करके इसे मार्क कर देना है। और ये एक तीसरा बिट है, ठीक है, इसे भी फ्लैग मार्क पर क्लिक करके इसे मार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ओके कीजिए, इधर भी ओके कीजिए। इतना होने के बाद आपको देखना है कि आपका जो ये बिट है, ये बिट के हिसाब से फोटो है कि नहीं, ठीक है। अभी जैसे बिट आया हुआ है इधर पे, सेकंड वाले बिट, तो आप चाहे तो इसको छोटा बड़ा जो करना है कर सकते हैं, बिट के हिसाब से ही वो होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपका ये तीसरा बिट है, ये इधर पे, ठीक है, ये ला इधर पे, तो आपको ये ला सेलेक्ट करके इधर पे आपको इस बिट के बराबर करना है, ठीक है। देखिए मैं बराबर कर लेता हूँ, ठीक है। आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर जो लास्ट वाला है उसको आप अपने म्यूजिक के हिसाब से ही रखिएगा, ठीक है। म्यूजिक आपका जहाँ तक है उतना ही रखिएगा, देखिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सब में इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, फिर इफेक्ट्स में जाना है, फिर यहाँ पर राइट कॉर्नर में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जिटर डाउन करके ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको आप शुरू से ले जाइए, जितना खिंचाएगा उतना खींच लीजिए, ओके कर लीजिए, ठीक है। दूसरा वाले में भी ऐसे सेलेक्ट कीजिए, एफएक्स में जाइए, फिर यहाँ पर राइट में जाइए, जिटर डाउन कर दीजिए, ठीक है। इसको भी आप शुरू तक ले जाइए, ठीक है, ओके कर दीजिए। तीसरा में भी सेम वही प्रोसेस करना है, सेलेक्ट कीजिए, एफएक्स में जाइए, उसके बाद इसका भी जिटर डाउन कर दीजिए। आप जो भी इफेक्ट लगाना चाहे लगा सकते हैं, मुझे ये पसंद है तो मैं यही वाला लगा देता हूँ, ठीक है। इसको फुल कर दीजिए, ऐसे ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको इधर पे आना है, पहले वाला जो मार्क किया हुआ बीट पे, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर PIP का ऑप्शन दिख रहा है, प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको वीडियो फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर वहाँ से आपको शैडो PNG को लेकर के आना है, उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको लेकर के आता हूँ जल्दी से। देखिए शैडो PNG आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसे रोटेट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। फिर आप इसको फिंगर के हिसाब से, आप चाहे तो इसको थोड़ा ऐसे जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पकड़ के आप थोड़ा जूम कर दीजिए,
ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो इसे थोड़ा सा खिसका भी सकते हैं ऐसे हल्का सा, ठीक है। ये होने के बाद आप इसको वीडियो क्लिप के हिसाब से थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। वीडियो क्लिप के हिसाब से यहाँ पर बड़ा कर दीजिए, फिर वापस आगे में आइए, ठीक है, जहाँ पे मार्क किया हुआ उधर पे, फिर वापस यहाँ पर पीआईपी में जाइए, प्लस आइकन में क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो में जाके बर्थडे टैक्स पीएनजी को लेकर के आना है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जल्दी से लेकर के आता हूँ, फोटो में जाइए, फिर बर्थडे टैक्स है उसको लेकर के आ जाइए, ठीक है। ठीक है, उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से कर दीजिएगा आप। मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे नीचे लगा दीजिए, ठीक है। फिर इसको भी क्या करना है, आप अपने वीडियो क्लिप के हिसाब से इतना बड़ा कर दीजिए। फिर आपको वापस से इधर पे आना है, जहाँ पे पहला बीट है उधर पे, ठीक है। इधर पे वापस आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। वापस आपको वीडियो फोटो में जाना है, फिर वहाँ से आपको फ्लैश इफेक्ट को लेकर के आना है। फ्लैश इफेक्ट का लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको जल्दी से लेकर के आ जाता हूँ। वीडियो में जाइए, फिर वीडियो में ही आपको फ्लैश इफेक्ट मिलेगा डाउनलोड वाले लिंक में, तो उसमें आप जाइए। ये आने के बाद आपको सबसे पहले इसे क्या करना है, इसे आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे आप नीचे में देखिए, आपको यहाँ पे फिल करके ऑप्शन दिख रहा है, इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप चाहे तो इसका ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग कर दीजिए यहाँ पे, फिर नीचे में जाइए, यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा ऑप्शन, ठीक है, ओके कर दीजिए स्क्रीन करके, ठीक है। उसके बाद आपको इसको आगे बढ़ा देना है, इसको पकड़ के आगे बढ़ा दीजिए वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर इसके लेंथ को भी आप अपने वीडियो के हिसाब से बढ़ा दीजिए इतना, ठीक है। वो हो जाने के बाद वापस आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद आपको वापस से प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। वापस आपको वीडियो फोटो है ऑप्शन, उस पर जाना है और वहाँ पर एक पार्टिकुलर वीडियो इफेक्ट उसको लेकर के आना है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको लेकर के आता हूँ जल्दी से। वीडियो में जाइए, देखिए ये वाला इफेक्ट आने के बाद आपको इसको भी फिल करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में फिल दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, फिर ब्लेंडिंग में जाइए और इसको भी स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। फिर इसको भी आप आगे बढ़ा दीजिए, इसे पकड़ के इसे आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। देखिए वीडियो की स्टार्टिंग में आगे बढ़ा दीजिए, इसके लेंथ को भी आप वीडियो क्लिप के हिसाब से आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस यहाँ पर आगे में आना है। यहाँ पर आपको अब बॉर्डर पीएनजी लेकर के आना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का आइकन में क्लिक कीजिए, फिर फोटो में जाके आप बॉर्डर पीएनजी को लेकर के आ जाएगा। उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देखिए बॉर्डर पीएनजी आ जाने के बाद आपको इसको भी फिल कर देना है। आपको यहाँ नीचे में जाना है, यहाँ फिल वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये फिल हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी आगे तक बढ़ा देना है, ठीक है, और इसके लेंथ को भी यहाँ लास्ट तक कर देना है, ठीक है। अभी आपका वीडियो करीब बन के रेडी हो चुका है, अभी आपको मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आपका ये पूरा वीडियो बन जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, एक्सपोर्ट में क्लिक कीजिए। फिर आप चाहे तो इसको 1080 कर दीजिए, 60fps कर दीजिए, इसको भी फुल कर सकता है। फिर यहाँ ओके पे जाके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों का हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।